वेलकम टू चैनल वर्षा ईयर। और आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने फेस को कैसे वाइटनिंग कर सकते हो। वैसे गाइज, आप नेचुरल जो हो वो बहुत अच्छे हो, आप डार्क हो लाइट हो, पर वो आपका फेस नेचुरल है। बट अगर आपको फिर भी लग रहा है हमारे फेस को वाइटनिंग करना है, हमें हमारा फेस बहुत डल है, थोड़ा तो ब्राइट रहना चाहिए था, तो आप टेंशन मत लीजिए। आज मैं आपको जो रेमेडीज बताऊंगी आप उससे आपके फेस बहुत वाइटनिंग हो जाएंगे। आप इसे फॉलो करके देखिए, ये बहुत नेचुरल है, बहुत इजी है, ये आपके घर में ही अवेलेबल है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ आपको क्या चाहिए यहाँ पे। आपको यहाँ पे चाहिए 2 टेबलस्पून राइस फ्ला। अगर आपके घर में राइस फ्ला नहीं होगा तो आप प्लीज़ चावल को मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए और वो एक पाउडर के इसमें बन जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने 2 टेबलस्पून राइस फ्ला ले रही हूँ। अब इसमें ऐड करेंगे अ पिंच ऑफ हल्दी, टर्मरिक। राइस फ्ला क्या करता है, राइस आपके फेस को वाइटनिंग करता है, आपके एक्ने पिंपल्स को भी रिमूव कर देता है, बहुत ब्राइट करता है और हेल्दी और ग्लोइंग स्किन बना देता है। इस राइस फ्ला में अ पिंच ऑफ टर्मरिक ऐड करेंगे, आप देख सकते हैं पिंच ऑफ टर्मरिक ऐड किया। टर्मरिक आपके फेस को ग्लोइंग कर देता है। अब लास्ट इंग्रेडिएंट है, वो है लेमन। लेमन में लैक्टिक एसिड होता है, ये हमारे फेस को बहुत अच्छा वाइटनिंग का ही हेल्प करता है। अब हम इसे कट कर ले रहे हैं और इसके भी आप ड्रॉप्स इसमें ऐड कर दीजिए। हाफ लेमन ले रही हूँ मैं। आप देख सकते हैं, अब इसे अच्छी तरह से एक पेस्ट बना लीजिए। तो अब आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, राइस फ्लावर टर्मरिक एंड लेमन को। मैं आपको आज 2 फेस पैक बताऊंगी राइस फ्लावर के, और ये बहुत नेचुरल है। आप वीक में 2-3 टाइम्स इसे लगा के देखिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। आप देख सकते हैं ये अच्छा एक पेस्ट बन गया है। अब आपको क्या करना है, इसे अपने फेस पे अप्लाई करना है। आप इसे ऐसे ही 10 मिनट के लिए रख दीजिए। और उसके बाद आप वॉश कर लीजिए आपके फेस को प्लेन वाटर से। आप देख सकते हैं मैंने अप्लाई कर लिया है, ये बहुत अच्छा है। आप 10 मिनट इसे रखिए और देखिए मेरा फेस आपको ग्लो करता हुआ दिखेगा। मैंने कुछ नहीं लगाया था, बस एक लिपस्टिक लगाया था और काजल, आप देख सकते हैं मेरे फेस पे, बाकी मैंने कुछ भी नहीं लगाया। आप इसे अपने नेक पे भी लगा सकते हो अच्छी तरह से। 10 मिनट्स बाद मैं आपको वॉश करके मिलती हूँ। आप देख सकते हो गाइस, 10 मिनट्स हो चुका है, मैं फेस वॉश करके आ चुकी हूँ। आप देख सकते हो मैं फेस वॉश करके आ चुकी हूँ, मेरा फेस बहुत अच्छा ग्लो कर रहा है। हम राइस फ्ला क्यों लेते हैं, राइस फ्ला आपको 2 टाइप का काम कर देता है, स्क्रबिंग का भी और फेस पैक का भी। राइस फ्ला आपके फेस को बहुत अच्छा स्क्रब भी कर देता है, मॉइस्चराइज भी करता है, ब्राइटनिंग भी करता है। आपको ये 1-2 टाइम में ही बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, आप इसे फॉलो करके देखिए। और अब हम सेकेंड स्टेप के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 टेबल स्पून राइस फ्ला, और अब हम इसमें ऐड करेंगे रॉ मिल्क। 1 टेबल स्पून राइस फ्ला ले लिया, अब इसमें हम रॉ मिल्क यूज़ करेंगे। प्लीज़ रॉ मिल्क ही लीजिए, पका हुआ दूध मत लीजिए। रॉ मिल्क बहुत अच्छा है हमारे स्किन के लिए, इसमें अच्छे प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून रॉ मिल्क ले लेती हूँ और इसका एक थिक पेस्ट बना लीजिए। अच्छी तरह से मिक्स करके पेस्ट बना लीजिए। ये बहुत ईजी है गाइस, आप देखिए दोनों ही चीज़ मिल्क एंड राइस आपको वाइटनिंग, फेस ब्राइटनिंग का ही काम करता है ये। अब हम इसे अप्लाई करेंगे। मेरी चावल के आटे थोड़े से दरदरे थे क्योंकि मैं स्क्रब के लिए भी यूज़ कर लेती हूँ फेस पैक के लिए, तो मैं थोड़ा दरदरा ही पीसती हूँ, इसके लिए आपको ऐसा दिखता होगा। आप इसे एक स्मूथ पेस्ट पाउडर की तरह भी बना सकते हो।
इसे भी आप 10 मिनट्स रहने दीजिए और फेस वॉश कर लीजिए. आप देख सकते हो फेस इतना अच्छा ग्लो करेगा, शाइन करेगा, आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा. मुझे फर्स्ट टाइम में फर्स्ट पैक पे ही बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, तो ये सेकंड भी यूज़ करके मैं आपको बताती हूँ. अब मैं फेस वॉश करके आपको मिलती हूँ. 10 मिनट्स हो चुका है, मेरा फेस ड्राई हो चुका है, अब मैं इसे वॉश करके आपको मिलती हूँ. आप देख सकते हैं मैं फेस वॉश कर चुकी हूँ. फेस वॉश करके आ चुकी हूँ और ये नेचुरल है, मैंने कुछ भी इसमें मिक्स नहीं किया अलग से और कुछ भी मैंने ऊपर से और फेस पे नहीं लगाया है, ये नेचुरल है. जस्ट मैं फेस वॉश करी हूँ, ये सच में ब्राइट कर रहा है, लाइटनिंग दे रहा है फेस पे और फेस बहुत अच्छा रहेगा. आप यूज़ करके देखिए गाइस. और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलेगा और सब्सक्राइब माई चैनल.